नागचला से मनाली तक बनने जा रहे फोर लेन में जो परिवार विस्थापित हो रहे हैं उन्हें बिना मुआवजे के ही मकान खाली करने के नोटिस तक थमा दिए गए हैं। प्रभावित होने जा रहे इन परिवारों ने उपायुक्त मंडी के माध्यम से समाधान की गुहार लगाई है। इसी मुद्दे को लेकर वे मंडी उपायुक्त से मिले और एक बैठक कर अपनी मांगों के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी। फोरलेन प्रभावित संघर्ष समिति और बेरोजगार मोर्चा के सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर मंडी उपायुक्त के साथ मुलाकात की और समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई। फोरलेन प्रभावित संघर्ष समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बताया कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि फोरलेन में जिन परिवारों को घर से बेघर होना पड़ रहा है उन्हें बिना मुआवजे के ही घर खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं। ऐसे में प्रभावितों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वे जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि नया घर बनाने में अब भी कम से कम एक से अधिक वर्ष लग जाएगा। वहीं जो लोग फोरलेन के कारण बेरोजगार हो रहे हैं उनके रोजगार की दिशा में भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। खुशहाल ठाकुर ने बताया कि उपायुक्त मंडी मदन चौहान ने प्रभावितों की सभी बातों को ध्यान से सुना और इसके बाद इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई करने का भरोसा दिया कि ये बड़ा दुर्भाग्य है, तीन सालों के बाद भी जो फोर लेन के जद में जो किसान, बागवान, दुकानदार और नौजवान आ रहे हैं उनके पुनर्वासन और पुनर्स्थापना के लिए अभी कोई भी प्रबंध नहीं किए गए हैं। प्रबंध की बात तो दूर है, उन्हें अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है। हमने गुहार लगाई है कि जल्दी से जल्दी ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करें और जो बेरोजगार लोग हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार के प्रावधान किए जाएं। और साथ ही में बड़े दुख की बात है कि जो लोगों को मकान खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं, जब तक कि अभी तक मकानों का मुआवजा नहीं दिया गया है। एक मकान बनाने को तकरीबन एक साल लगते हैं, किस तरह से बिना पैसे के लोग दो महीने में जो है इनका पुलसिया डंडा चलने के बाद इन मकानों को खाली करेंगे। तो ऐसी कुछ एक बातें हमने जिला महोदय के सामने रखी, उन्होंने बड़े सकारात्मक तरीके से, बड़े संजीदगी के साथ उन्होंने सुनी और हमें विश्वास दिलाया कि इस बारे में जो है उचित कार्रवाई करेंगे।